कोरोना वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है वो आज रात्रि 8 बजे से लगाया जाएगा और वह सोमवार की सुबह तक लागू रहेगा। इस दौरान सामान्य गाड़ियां इत्यादि चलने पर प्रतिबंध है, लेकिन इस दौरान जो एसेंशियल कमोडिटी के की गाड़ियां हैं वो चलेंगी तथा कल के दिन वैक्सीनेशन का कार्य भी पूर्ण रूप से कराया जाएगा। जो टीकाकरण का कार्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराया जाएगा वो इसके द्वारा कवर नहीं है। इस संक्रमण के चेन को रोकने के लिए ही ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है और जो कंटेनमेंट जोन प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं उसमें इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। लगभग 86,500 पूरे प्रदेश में कंटेनमेंट जोन हैं, जिसमें लगभग 50,000 लाउडहेलर और मोबाइल लाउड स्पीकरों के माध्यम से कोरोना के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है और मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे लोग जो कि उस चेतावनी के बावजूद भी इन चीजों का अनुपालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। इसके साथ साथ जो कोरोना से संबंधित औषधियां हैं या ऑक्सीजन है इस पे भी पूरे प्रदेश में ऐसे व्यक्ति जो कि इन चीजों की कालाबाजारी में लिप्त हैं क्रैकडाउन किया जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों पे गैंगस्टर एक्ट तथा रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां हुई हैं उसमें कुल 29 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनके पास से 668 की संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन